तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका की खिलौने बनाने वाली कंपनी मेटेल ने किस भारतीय खिलाड़ी की बार्बी डॉल बनाई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दीपा कर्माकर। अच्छा देखो, अभी हमने इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया, कब किया? 8 मार्च को। तो बस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ही अमेरिका की खिलौने बनाने वाली कंपनी है, नाम है मेटेल, और इसने पूरी दुनिया के 17 देशों में से 19 महिलाओं को चुना है उनकी जैसी बार्बी डॉल बनाने के लिए। और इन 19 महिलाओं में से एक हमारी भारत की जिम्नास्टिक भी हैं। क्या नाम है? दीपा कर्माकर। भाई ये वाकई बड़े सम्मान की और गर्व की बात है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अच्छा दीपा कर्माकर के बारे में कुछ बताओ गुरुजी। तो मैंने बताया ये भारतीय जिम्नास्टिक हैं, मात्र 25 साल की उम्र में ही ये 77 मेडल जीत चुकी है अब तक। इन्होंने रियो ओलंपिक के फाइनल में पहुंचकर एक इतिहास बनाकर भारत का नाम रोशन किया था। हाँ वैसे मेडल नहीं जीत पाई थी ये, एक नंबर से रह गई थी, वरना ये ब्रॉन्ज जीत लाती। तो देखो एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो इस प्रश्न से याद रखेंगे दीपा कर्माकर का नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी बैंक इंडिया ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आशु खुल्लर। तो अभी हाल ही में सिटी बैंक ने इंडिया के लिए अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ के रूप में आशु खुल्लर को नियुक्त किया है। अच्छा आपके लिए मैंने जानबूझकर के यहाँ पे ऑप्शन को इस तरह से लिखा है कि मैं आपका कुछ रिविजन करा सकूँ। तो ऑप्शन ए देखो, हेमंत भार्गव, मार्च में ही बताया था आईडीबीआई बैंक के गैर कार्यकारी अधिकारी, इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त हुए कौन? हेमंत भार्गव। वर्तमान में अभी ये एलआईसी में है। ऑप्शन सी क्या है? पीवी भारती। फरवरी में आपको बताया था मैंने कॉरपोरेशन बैंक की एमडी सीईओ बनी है कौन? पीवी भारती। अच्छा ऑप्शन डी क्या है? दिलीप सदरंगानी। तो 31 जनवरी के करंट अफेयर्स में बताया था फेडरल बैंक के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन बने कौन? दिलीप सदरंगानी। अच्छा इस प्रश्न में हमने क्या देखा? सिटी बैंक इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया? आशु खुल्लर को। तो सिटी बैंक के बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1812 को, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सीईओ कौन है? माइकल कॉर्बट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शताया को। तो अभी हाल ही में मोहम्मद शताया को फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन बी आपको क्या दिख रहा है? मेके सेल। तो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था सेनेगल के राष्ट्रपति बने थे कौन? मेके सेल। और इनको याद करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देखो सेनेगल में से अगर बीच का नेल में नेग में हटा दूंगा तो क्या बच जाएगा? से ल। और इनके नाम में भी क्या है? से ल, मेके सेल। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा सेनेगल के राष्ट्रपति कौन बन गए, तो फिर आप ये आगे का से और पीछे का ल ले लो, सेल। ऑप्शन में देखना सेल कहां पर है, मेके सेल में मिल जाएगा, सही कर देना। ऑप्शन सी है मुहम्मदु बुहारी। तो 28 फरवरी को बताया था नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति बन गए कौन? मुहम्मदु बुहारी। अच्छा देखो इसको याद रखने की एक ट्रिक बताई हमारी सब्सक्राइबर स्टूडेंट है प्रेरणा, उन्होंने, और ट्रिक क्या है? एक भजन उन्होंने बताया, भजन क्या है? नजर ना लगे मोहे बिहारी नु, नजर ना लगे मोहे बिहारी नू। तो देखो यहाँ पे नाइजीरिया से बना दिया नजर, नजर नाइजीरिया, नजर ना लगे किसको? मोरे बिहारी नू, बिहारी से बन जाएगा बुहारी। बिहारी बोलते हैं श्री कृष्ण को, एग्जाम में आएगा नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो नाइजीरिया से क्या याद आएगा? नजर, और नजर ना लगे मोहे बिहारी नू। ऑप्शन में ढूंढना बिहारी से बुहारी आपको मिलेगा, सही आप करके आ जाओगे। अच्छा ऑप्शन डी क्या है? मोहम्मद ताहिर एला। तो अभी मार्च में ही आपको बताया था सूडान के नए प्रधानमंत्री बने थे मोहम्मद ताहिर एला, और इसको याद रखने की एक ट्रिक बताई थी नरेश ठाकुर ने। अच्छा ट्रिक क्या है? बहुत अच्छी ट्रिक है, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मोहम्मद ताहिर एला, एला से अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ तो क्या याद आ रहा है? एलिफेंट बन रहा है, एला साउंड दे रहा है एलिफेंट का, और एलिफेंट के होती है क्या? सूंड। तो सूंड से याद आ जाएगा सूडान, जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा गया सूडान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो सूडान से याद आएगा अब आपको सूंड, सूंड तो होती है एलिफेंट के, एलिफेंट एला। ऑप्शन में आप देखोगे और इसको 100% राइट करके आओगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर की हल्दी को GI टैग दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इरोड। अच्छा गुरु जी आप पहले तो ये बताओ ये इरोड कहाँ पे पड़ता है? तो फिर आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के इरोड की हल्दी को GI टैग मिल गया है। अच्छा देखो अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा तो आपको याद आया होगा, कल भी मैंने आपको बताया था कि किसी को GI टैग दिया था। अच्छा किसको दिया था? और ये क्वेश्चन मैंने कल के जो वीडियो की लास्ट वाली पजल है ना वहाँ पर भी पूछा था, कोई बता सकता है किसको मिला था?
तो केरल के इडुक्की जिले के मरयूर गुड़ को, और आज के प्रश्न में हम क्या देख रहे हैं, तमिलनाडु के इरोड की हल्दी को। अच्छा गुरुजी ठीक है, कल मिला था केरल के इडुक्की के मरयूर गुड़ को, आज मिला है तमिलनाडु के इरोड की हल्दी को। अरे पर गुरुजी ये तो बताओ ये GI टैग होता क्या है? तो GI मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जैसे किसी पर्टिकुलर स्थान पे कोई चीज़ पाई जाती है तो उसे दिया जाता है GI टैग। बेसिकली उसकी मार्केटिंग के लिए होता है ताकि उस एरिया की पहचान बन सके, और इससे होता क्या है उस जगह के जो प्रोडक्ट है ना उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे कि पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को दिया गया, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को दिया गया, जयपुर की ब्लू पॉटरी को भी दिया गया था, और कल हमने क्या देखा था केरल के इडुक्की के मरयूर गुड़ को दिया गया, और आज के प्रश्न में तमिलनाडु के इरोड की हल्दी को दिया गया। अच्छा देखो यहाँ पे लिख रहा है GI टैग, तो GI टैग से मुझे याद आता है, चलो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, भारत का पहला GI स्टोर कहाँ पे खोला गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर क्या होगा, गोवा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 7 करोड़वा LPG कनेक्शन किसे दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गीता देवी को। तो अभी हाल ही में सरकार ने एक जानकारी जारी की है और उसमें बताया है कि 34 महीनों में 34 मंथ्स में उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 7 करोड़ LPG कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, और जिसमें से अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 7 करोड़वा LPG कनेक्शन किसे दिया गया, गीता देवी को दिया गया। अच्छा गुरुजी ठीक है, उज्ज्वला कनेक्शन के तहत 7 करोड़वा कनेक्शन दिया गया गीता देवी को, अरे पर ये भी तो बताओ ये उज्ज्वला योजना है क्या? तो देश के सभी गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। कब की थी? 1 मई 2016 को, और इसका टारगेट क्या है भैया, 2021 तक भारत के 8 करोड़ परिवारों को रसोई गैस उपलब्ध कराना। तो अब देख लो अब तक 7 करोड़ कनेक्शन बांटे जा चुके हैं, परसेंटेज में बोलेंगे तो 87% लक्ष्य पूरा हो चुका है सरकार का। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछूं, तो बताओ अभी उज्ज्वला उत्सव कब और कहां पे मनाया गया था? तो आंसर होगा 7 फरवरी को मनाया गया था नई दिल्ली में। अच्छा आपको बताया ना मैं आपको चीजें लिंक करा करा करके याद कराता हूं। तो ये 7 करोड़वा LPG कनेक्शन किसे मिला, गीता देवी को मिला गुरुजी। तो गीता से मुझे एक इंपॉर्टेंट नाम याद आ रहा है, गीता गोपीनाथन का। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कौन है ये, और मैंने इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों बोला? तो अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे ना तो आपने 11 जनवरी का करंट अफेयर्स भी देखा होगा, उसमें मैंने बताया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में पहली महिला चीफ इकोनॉमिस्ट, हिंदी में बोलेंगे तो मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी कौन, गीता गोपीनाथन का। तो नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला नाम आ गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो गई। अच्छा देखो यहां पे क्या लिखा है, LPG। तो चलो जिन बच्चों के कॉम्पिटिशन में साइंस आती है ना उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, LPG की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सबने बता दी होगी। बेसिकली ये क्या होती है, मिक्सचर होती है प्रोपेन और ब्यूटेन का, ये भी आपने बता दिया होगा, लेकिन अब जो मैं पूछूंगा ना वो सुनना। आपको पता है ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है और ये तो ऑर्डरलेस होता है, यानी कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, लेकिन जब आपके घर में गैस लीक होती है तो आपको उसकी स्मेल आती है थी सी, तो वो स्मेल किसके कारण आती है? तो एग्जाम में प्रश्न यही आता है, जब आपके LPG में जो स्मेल के लिए गैस डाली जाती है ना वो कौन सी गैस होती है? तो आंसर क्या होगा भैया, इथाइल मरकैप्टन होगा, याद रखना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है जिनकी भी साइंस आती है एग्जाम में। अच्छा देखो जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं ना और अगर वो कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो देखो अभी हमारा नया साल स्टार्ट ही हुआ है, जनवरी और फरवरी ही बीता है, तो देखो आपको पता है मैं लिंक कर करके चीजें पढ़ाता हूं, तो जैसे ही आपको समय मिले, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे बताते हैं कि सर पुराना जो बैकलॉग बचा हुआ है जनवरी फरवरी का हम साथ में देखते हुए खत्म करते हुए चल रहे हैं, जैसे आपको समय मिले महीने में एक आध पुराने वीडियोस देख डालो जनवरी और फरवरी के और खत्म कर डालो, मार्च से तो आप कंटिन्यू चल ही रहे हो, फिर देखना पुराना बैकलॉग खत्म कर लो, बाकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि देखो जब मैं लिंक करके पढ़ाऊंगा ना तो फिर आपके कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जब लिंक करते हैं रिवीजन करते हैं तो ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए करते हैं कि हमने पढ़ा था और आपको याद आ जाता है फटाफट से, लेकिन जब पढ़ा ही नहीं होगा तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे यार ये क्या था, क्योंकि बाकी बच्चों ने पढ़ा है वो रिवीजन कर लेंगे, आप फर्स्ट टाइम उसको पढ़ोगे। तो जैसे जैसे समय मिलता जाए उसको पढ़ते जाओ, पुराना बैकलॉग खत्म कर लो, बढ़ते आगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वीरेंद्र कटारिया का निधन हो गया है, ये किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुडुचेरी के। तो अभी हाल ही में पुडुचेरी के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन, वीरेंद्र कटारिया का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अच्छा देखो निधन वाला क्वेश्चन आ गया है, तो जब भी निधन वाला क्वेश्चन आता है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नामों का रिवीजन करवाता हूं जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो 21 फरवरी को हमने पढ़ा था प्रख्यात हिंदी लेखक कौन,
नामवर सिंह का निधन हो गया था। अच्छा, हिंदी लेखक मैंने बोला, और हिंदी लेखक से मुझे याद आता है प्रसिद्ध हिंदी लेखिका कौन, कृष्णा सोबती। कौन भैया? कृष्णा सोबती का भी निधन हो गया था, जनवरी या फरवरी की बात है। अच्छा देखो, सोबती मैंने बोला, सोबती से मुझे एक नाम याद आता है, अतुल सोबती। कौन है अतुल सोबती? बेल के चेयरमैन है, बेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति का निधन हो गया था, जनवरी या फरवरी की बात है, 113 वर्ष के थे ये, नाम था मसाजो नोन का, और कहाँ से थे? जापान से थे। अच्छा मैंने कहा सबसे वृद्ध व्यक्ति, तो सबसे वृद्ध व्यक्ति से याद आया, कल ही मैंने आपको बताया था जापान की कौन, काने तनाका, कौन, काने तनाका को जीवित सबसे ज्यादा उम्र की व्यक्ति का दर्जा दिया था गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने। कितनी उम्र है इनकी? 116 वर्ष है। अच्छा देखो, कल कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि ये 116 वर्ष है कौन, काने तनाका, और आप कह रहे हो मसाजो नोन का जो कि 113 वर्ष के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो सबसे ज्यादा उम्र के कैसे हुए? बात तो सही है। तो देखो, इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो, सपोज मेरी उम्र कितनी है, 200 साल है। कितनी है मेरी उम्र? 200 साल है। लेकिन फिर भी आप कहीं पर भी गूगल में सर्च करोगे, न्यूज में देखोगे, हर कोई क्या बता रहा है कि विश्व के सबसे ज्यादा उम्र की व्यक्ति कौन बन गई है, काने तनाका, 116 वर्ष है। अब आप कहोगे कि गुरुजी ऐसा क्यों, सबसे ज्यादा उम्र के तो आप हो, लेकिन हम कहीं भी ढूंढ रहे हैं, सर्च मार रहे हैं, तो वहां पे किसका नाम लिखा आ रहा है, काने तनाका का, जो कि केवल 116 वर्ष है। हमारे गुरुजी तो 200 साल के, इनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? तो देखो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सबसे पहले तो मुझे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा, और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सर्च करेंगे, प्रूफ देखेंगे कि हाँ मैं सत्य तो बोल रहा हूँ ना, और फाइनली उसके बाद ग्लोबली सबसे ज्यादा उम्र का दर्जा मिल जाएगा मुझको। और फिर आप कहीं पर भी पढ़ोगे, न्यूज में पढ़ोगे, पेपर में पढ़ोगे, गूगल में सर्च मारोगे कि सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन है विश्व में, तो फिर आंसर क्या आएगा, क्रेग जिकेट्रिक्स के गुरुजी है, उम्र है 200 साल। तो आपको समझ में आया, उसी तरह से काने तनाका को यह दर्जा अभी मिला है, मसाजो नोनका के समय यह दुनिया के सामने नहीं आई थी, यानी कि इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने यह दर्जा नहीं दिया था। मेरे ख्याल से अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो, इसके अलावा मैं आपको क्या प्रश्न बताता हूं निधन वाले में, भारत के सबसे उम्र दराज हाथी का भी अभी निधन हो गया था केरल में, फरवरी की बात है मेरे ख्याल से। ये कितनी उम्र थी? 88 वर्ष। नाम ग्रेनी दक्षायणी, और इसको एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? गजा मुतसी की। अच्छा, इसके बाद यूएसए से दो इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताता हूँ। एक है जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश का, जो कि यूएसए के 41 नंबर के राष्ट्रपति थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया था नवंबर के लास्ट में। ये पॉइंट आपको पता होगा, मैं जब भी यूएसए की स्टैटिक बताता हूँ वहां बताता था, और किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया उसके एग्जाम में ये आया था कि जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो आंसर क्या होना था, 41 नंबर का। तो बस क्वेश्चन को उसने घुमा करके पूछ लिया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो आंसर क्या दोगे, 45 नंबर के राष्ट्रपति हैं। अच्छा देखो, यूएसए से दूसरा नाम आता है जॉन डिंगल का, ये सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले सदस्य थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो इनका भी नाम याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में हसमुख अधिया को किस केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात का। तो अभी हाल ही में हमारे पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी कौन, हसमुख अधिया को गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, मैंने क्या कहा, ये हमारे पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी थे। हाँ, तो ये नवंबर तक हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उसके बाद ये रिटायर्ड हो गए, और फिर दिसंबर में हमारे नए फाइनेंस सेक्रेटरी बने कौन, एएन झा, अजय नारायण झा, और ये भी अभी 28 फरवरी को रिटायर्ड हो गए, एएन झा भी। तो फिर बताओ, मार्च में यानी कि वर्तमान में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? मैंने आपको 3-4 बार बता दिया है, अब तो आपको याद हो गया होगा कौन, सुभाष चंद्र गर्ग हैं। अच्छा देखो, मैंने बोला हसमुख अधिया, ये वैसे तो अभी कुलपति बन गए, आज की न्यूज में मैं बता रहा हूँ, 2-4 दिन पहले इनके बारे में एक न्यूज बताई थी मैंने आपको, क्या थी, बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अधिकारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बने थे कौन, हसमुख अधिया, और अब गुजरात के विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए हैं। अच्छा, एएन झा के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया था 2-3 दिन पहले, 15वें वित्त आयोग के सदस्य बने कौन, एएन झा। और फाइनेंस सेक्रेटरी से एक क्वेश्चन मैं आपको हमेशा बताता हूँ, 1 रुपए के नोट पे किसकी सिग्नेचर होते हैं, चलो आप बताओ, तो आंसर होगा फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। और 1 रुपए से बड़ा जितना भी नोट होता है ना, जितना भी बड़ा का नोट होगा, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, उस पर किसके सिग्नेचर होंगे, आरबीआई गवर्नर के। चलो फिर बता दो, हमारे वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, ये दिसंबर में ही बने थे, इंपॉर्टेंट है, शक्तिकांत दास। अच्छा, कौन से नंबर के हैं,
25वें नंबर के हैं। अच्छा देखो, रुपये से याद आया, दो तीन दिन पहले मैंने आपको बताया था अभी 20 रुपए का नया सिक्का जारी किया था सरकार ने। और इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखना, मैंने आपको बताया था जो देख नहीं सकते ना लोग, जो दृष्टिहीन लोग होते हैं, उनके लिए सरकार 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के और 20 रुपए के नए सिक्कों की सीरीज जारी करेगी, ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गौरी द अर्ज टू फ्लाई नाम की जो पुस्तक है ना, उसे किसने लिखा है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रिदम वागुलीकर ने। तो गौरी द अर्ज टू फ्लाई नाम की जो बुक है उसे लिखा है रिदम वागुलीकर ने। और इस बुक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अच्छा गुरुजी, इंपॉर्टेंट क्यों मार्क कर ले? क्योंकि ये जो बुक है ना वो गौरी सावंत के ऊपर लिखी गई है। अच्छा गुरुजी, गौरी सावंत कौन है? तो ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर मदर है गौरी सावंत। और इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी हैं, क्या क्या इनके स्ट्रगल रहे हैं, उसके ऊपर ये बुक लिखी गई है गौरी द अर्ज टू फ्लाई, और इसे किसने लिखा है? रिदम वागुलीकर ने। अच्छा मैंने एक शब्द बोला ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं आपको रिविजन कर बताऊं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं भारत की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन थी, तो आंसर क्या दोगे आप? जोईता मुंडल, JOYITA MONDAL। और ये कहां से थी गुरुजी? तो ये पश्चिम बंगाल से थी। अच्छा देखो, आपको पता होगा 2018 में आपने सुना होगा आसाम की पहली ट्रांसजेंडर जज कौन बनी थी, और ये भारत की तीसरे नंबर की थी। तो कोई बता सकता है उनका नाम? स्वाति बिदान बरुहा। या फिर आप यूं भी कह सकते हो, भाई आसाम की पहली थी ना और भारत की तीसरी थी, तो आप इसे और यूं भी क्या कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन की ये पहली ट्रांसजेंडर जज थी स्वाति बिदान बरुहा। इंपॉर्टेंट नाम था ये। अच्छा गुरुजी, आपने पहला बता दिया, तीसरा बता दिया, दूसरा तो खाई गए, तो दूसरी कौन थी? विद्या कांबे। कहां से थी? महाराष्ट्र से। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हैं देश की पहली जो ट्रांसजेंडर पुलिस है ना वो कहां से है, किस राज्य से है? तो आंसर होगा तमिलनाडु से। क्या नाम है? प्रीतिका याशिनी। 2017 में ही बनी थी ये। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2019 के लिए पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो अभी हाल ही में 10 मार्च 2019 को 2019 के लिए पल्स पोलियो प्रोग्राम लॉन्च किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने, जिसमें देश भर में 5 साल से कम उम्र के 17 करोड़ बच्चों को पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाएगी। अच्छा देखो, मैं आपको यहीं पे बता देता हूं, अभी 10 मार्च 2019 को हमने राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी मनाया है। अच्छा कोई मुझे बता सकता है वर्ल्ड पोलियो डे कब हम मनाते हैं? तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। अच्छा आपको पता है ना, मैं आपको चीजें लिंक करा करा करके याद कराता हूं, तो फिर आप मुझे बताओ यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन डे। अच्छा गुरुजी, यूनाइटेड नेशन डे हम 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो देखो यहां पे इस तरह से 24 अक्टूबर से आप दो चीजें लिंक कर लो, यूनाइटेड नेशन डे और वर्ल्ड पोलियो डे। बस एक बार आप याद कर लो, बाकी भूलने मैं नहीं दूंगा, पर एक बार याद करके तो देखो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रियंका दुबे को। तो अभी हाल ही में बीबीसी की हिंदी और इंग्लिश की संवाददाता कौन? प्रियंका दुबे को वर्ष 2018 के लिए उत्कृष्ट महिला पत्रकार का चमेली देवी जैन पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस प्रश्न से आपको याद रखना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिला है? आंसर होगा प्रियंका दुबे को। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैन, और जैन से मुझे याद आया महावीर, और महावीर से याद आया अभी भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार किसको मिलेगा? और याद रखना ये पहली बार मिलेगा। तो 6 मार्च के वीडियो में मैंने आपको बताया था अभिनंदन वर्तमान को मिलेगा पहला भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार। अच्छा देखो, पुरस्कारों से मुझे याद आया अभी हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने टैगोर पुरस्कार वितरित किए थे 2014 के लिए, 2015 के लिए और 2016 के लिए। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए 2014 का टैगोर पुरस्कार किसे मिला, 2015 का किसे मिला या फिर 2016 का किसे मिला, तो आप क्या आप बता पाओगे? तो ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर बता पाओगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसको मिला। तो 2014 को मिला था राजकुमार सिंगाजीत सिंह को। और देखो 2014 का ये मिला था ना, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आप ही में से हमारे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट ने बताया था कि उनके एग्जाम में ये टैगोर पुरस्कार 2014 का प्रश्न आ चुका है। तो देखो मैं आप लोगों से बोलता भी हूँ, आपका कोई भी एग्जाम हुआ है या कोई भी एग्जाम के पेपर है या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ भी जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि ये पॉइंट हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज का हिस्सा होना चाहिए, तो आप कमेंट्स में बिंदास उसे लिखा करो।
और कमेंट के साथ साथ आप कॉपी पेस्ट करके मुझे व्हाट्सएप भी कर दिया करो, ये रहा व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि कमेंट में अगर कई बार कोई कमेंट मेरे से छूट जाता है तो देर सवेर में उसे व्हाट्सएप में तो देख सकूं जब भी मुझे टाइम मिले। अच्छा देखो 2015 का किसे मिला, छायानौत को। ये छायानौत याद रखना बांग्लादेश का एक सांस्कृतिक संगठन है और ये रामसुतार वही है, यानी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं ये रामसुतार, पता है ना आपको, नाम पढ़ा होगा आपने पहले भी। अच्छा ट्रिक क्या है, इसे आप कैसे याद कराओगे गुरुजी? तो देखो जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना वो गाने के लिरिक्स की तरह आपको याद करना होगा, वैसे करोगे आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले मैं बोलता हूं फिर मेरे साथ बोलना। टैगोर के राज में छाया श्री राम का जादू, क्या बोला मैंने, सिंपल सा है, टैगोर के राज में छाया श्री राम का जादू। तो मेरे साथ साथ बोलेंगे, टैगोर के राज में छाया श्री राम का जादू। चलो एक बार और मेरे साथ जोर से बोलना, आवाज आनी चाहिए जहां पे भी बैठे हो, टैगोर के राज में छाया श्री राम का जादू। अच्छा ठीक है गुरुजी ट्रिक याद हो गई, लेकिन इससे नाम कैसे याद होंगे? देखो टैगोर से टैगोर पुरस्कार, राज से 2014 का किसको मिला, राजकुमार को। देखो ये ट्रिक से आपको हिंट मिल जाएगी और ऑप्शन में देख करके आप इसे राज कर दोगे, राजकुमार याद आ जाएगा। फिर छाया से छायानौत 2015 का मिला और श्री राम से श्री राम सुतार को। तो एक बार फिर बोलो मेरे साथ, टैगोर के राज में छाया श्री राम का जादू। अब बता दूं ये जो ट्रिक है ना ये हमारी क्रेक फैमिली के होशियार क्रिएटिव माइंडेड बच्चों ने ही दी है। एक्चुअल में 8-10 बच्चों ने ये ट्रिक मुझे टैगोर पुरस्कार की ट्रिक मुझे भेजी थी, जिसमें से 4-5 स्टूडेंट की लगभग कॉमन सी ट्रिक मुझे लगी थी, जिनमें से जैसे नाम उनके हैं रजनीश जी हैं, प्रीति हैं, प्रिया हैं, अरविंद हैं, संजय हैं, तो इन सबकी जो ट्रिक थी वो लगभग सेम ही थी। तो बाकियों की भी अच्छी थी जिन्होंने भेजी, लेकिन जिनकी जो कॉमन थी ना उनकी मैंने एक करके आपको बता दी है, एंड आई एम डैम श्योर आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और ये आपको डेफिनेटली हेल्प भी करेगी। तो फिर एक बार मेरे साथ बोलो, टैगोर के राज में छाया श्री राम का जादू। एंड जिन्होंने भी ट्रिक भेजी है, एंड थैंक यू गाइस, यू आर जस्ट रियल एवेंजर्स, कमाल है आपका दिमाग, सुपर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नवाचार श्रेणी में यानी कि इनोवेटिव श्रेणी में गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एको जनरल इंश्योरेंस को। तो अभी हाल ही में एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी को इनोवेटिव प्रोडक्ट यानी कि नवाचार उत्पादों की श्रेणी में, इसका मतलब क्या हो गया गुरुजी? तो इसने मतलब एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया, मतलब कुछ नया करके दिखाया है और इसके लिए इसे इनोवेटिव प्रोडक्ट की श्रेणी में गोल्डन पिकॉक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। अच्छा इंश्योरेंस से कुछ याद आया, चलो आप ही से पूछता हूं, तो बताओ HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया था? अभी 9 मार्च को ही मैंने आपको बताया था, तो आंसर होगा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया से कुछ याद आया, 7 मार्च को मैंने आपको बताया था इस पे RBI ने कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था, अब ये मुझे आप बता दो, 3 करोड़ रुपए का लगाया था। अच्छा एको जनरल इंश्योरेंस की बात हो ये, तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके फाउंडर कौन थे, वरुण दुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ITB बर्लिन में गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में प्रथम पुरस्कार किस देश ने जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत ने। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2019 में TV सिनेमा स्पोर्ट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है और ये पुरस्कार ITV बर्लिन में हमारे पर्यटन सचिव कौन, योगेंद्र त्रिपाठी ने प्राप्त किया है। अच्छा अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। अच्छा तो कल के वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए, आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। आप में से जिसने आंसर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है उनके नाम मैं आपको बताता हूँ, सीमा, बलवंत, सुमित, शोभा, एमिवे, धीरेन्द्र, सुचित्रा, प्रिया, जस्सी, राखी, राजेंद्र, गौरव, पी गुप्ता, बाबू, रघुवर, अनादि, बीशमलाल, राघव, संदीप, अर्चित, बिंदु, नीतू, सुभाशीष, कांता जी, पंकज, चंदन, मुकेश, स्वरूप, वासु, आर्य, आकांक्षी, मनीष, अफजल, आमिर, रिंकल, अमित, वीरेंद्र, जाट जाटनी, अनिलेश, ब्रजेश, अनामिका, सिकंदर, मनोज और मोहम्मद हुसैन। अच्छा अब हम चलते हैं आज के वीडियो के सबसे खूबसूरत पार्ट पे, जिसे आप कहते हो हमारा खेल, क्विज, पजल। तो ये रहा आपकी पजल। अच्छा देखो कल कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था कि इसको खेलते कहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हैं लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं रखे हैं, उसे कीवर्ड की फॉर्म में यहाँ पे रख दिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड मैंने निकाल दिए। आप वीडियो को पॉज करना
और जब आप वो पढ़ोगे ना तो आपको हाँ मानता हूँ थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और इनके आंसर आपको सामने मिलेंगे, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बचपन में नहीं करते थे क्या आप, मैच द फॉलोइंग, मिलान करो तो इसका आंसर जैसे कि ये होगा ये होगा, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। और आज के वीडियो से कुछ क्वेश्चन लिए, पिछले पुराने दिनों से कुछ क्वेश्चन लिए, ताकि ये जानने के लिए कि पुराना तो आप भूले तो नहीं हो कम से कम। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे कंटिन्यू, तभी आप इसके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो आप यूँ समझ सकते हो ये आपके लिए रामबाण है, जब आप पूरा वीडियो देख लेते हो इतने मिनट का, तो एक छोटा सा टेस्ट है ये, टेस्ट करने के लिए कि आपने कितना सिंसियरली वीडियो देखा है और कितना आपके माइंड में चीज़ें गई हैं। तो ये आप जरूर लगाया करो। अब आप जैसे कि इसके आंसर लिखोगे, जैसे कुछ भी लिख दिया आपने आंसर आया, जैसे कि ए बी सी डी जी एफ, जो भी आपका एक कोड बनेगा। अब आपको कहते पता गुरुजी हमारा जो हमने लगाया वो सही है या नहीं है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट ही आपको मेरा मिलेगा, वहाँ मैंने उसको पिन कर रखा है, वहाँ पर आपको वो कोड मिल जाएगा, उससे मैच कर लेना सही है, तो फिर वहाँ पर रिप्लाई में आप उस कोड को लिख देना अपने नाम के साथ, ताकि मुझे पता लगे कि किन किन ने इस गेम को खेला है और कौन कौन इंटरेस्टेड है इस गेम को खेलने में। देखो बड़ी मेहनत लगती है मुझे इसे बनाने में, अगर ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं होंगे या ज़्यादा लोग इसे खेलते नहीं हैं तो हम इसे वीडियो से हटा देंगे, कम से कम एक मिनट तो बचेगा हमारा, ठीक है। आप ही लोगों के लिए बनाया गया है ये, गेम के रूप में मैंने बनाया था, बस आपका क्विक रिविजन हो जाएगा फटाफट से। अच्छा बात करते हैं आज के वीडियो के क्विज की प्रश्न की, उससे पहले मैं बता दूं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी फायदा मिलता है तो इन वीडियोस को आप लाइक जरूर करा करो, और लाइक करके अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली ग्रुप में, जहां पर भी जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर जरूर कर दिया करो। देखो पूरे वीडियो में मैं आपसे लाइक और शेयर के लिए नहीं बोलता हूं, मुझे पता है आपका टाइम वेस्ट होगा ये सब बोल बोल के, और एक ही चीज़ रोज बोलूंगा तो आप इरिटेट भी हो जाओगे, तो मैं अभी भी नहीं बोलूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो अगर मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूँ तो थोड़ी सी ईमानदारी तो आप भी दिखाओ, थोड़ा बहुत सपोर्ट तो आप भी मुझे करो लाइक और शेयर करके। अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्विज की प्रश्न की, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री शहरी आंचल अमृत योजना शुरू की है। आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, कोशिश करना इसको डिटेल में आप लिख सको। अच्छा अगर कोई इसे पहली बार देख रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आप रेगुलर बने रहना, कुछ दिन बाद आप आगे से खुद कहोगे कि गुरुजी मजा आ गया है। अच्छा कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिक जी के ट्रिक्स।